फंसे हैं। 2100 से ज्यादा लोग हजार लोग बन जाते हैं। अमीर जी आप झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, वीडियो सामने आया है। जी अरे सर, फिर मैंने आपसे कह दिया आप फ्रॉड करते हैं देश के साथ। चलिए मैं आपकी और अपनी बहस में नहीं फंसना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि ये देश बहुत बड़ा है, ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। गजब बेइज्जती है। एक सेकेंड आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता, कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जनता का नौकर हूँ, मैं अपने व्यूअर्स का नौकर हूँ। आप होंगे किसी के नौकर। अमीश भाई मैं आ सकता हूँ? खटपट खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट खटपट खटपट। असीम भाई भी हम ही में से एक हैं। ये अलग बात है, आज ये असीम वकार हैं, तो आज ये इमामे हिंद बोल रहे हैं ये अलग बात है, मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे, और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता हूँ, इसलिए मैं असीम वकार जी से सर्टिफिकेट लेने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जवाब ये देश का संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब चाहते हैं? संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली, उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली। ये गलती से संबित पात्रा हो गए। मैं तो कह रहा हूँ मैं मोहम्मद अली हूँ। अच्छा म्यूजिक मोहम्मद अली को समय दिया जाए बोलने के लिए। बोलिए डॉक्टर पात्रा। देखिए ये बड़ी ना ये इंटरेस्टिंग विषय है, आपको हंसी लगी है तो आचार्य जी हंसी रहे हैं। आचार्य जी तो कहीं पर मैंने तो आचार्य जी का वीडियो भी देखा है नमाज पढ़ते हुए, तो ये तो हंसी रहे होंगे मोहम्मद आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का तो मैंने वीडियो देखा, वो वहाँ क्या वो भी मैंने देखा है। मैं नमाज पढ़ता दिखूं या पूजा करता दिखूं, वो आपकी दृष्टि में नहीं देखूंगा। सब बड़े हैं मेरे से। आपका एक वीडियो वायरल है, आपका नाम मोहम्मद है, आपका एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें आप एक गाना गा रहे हैं जो भाई मैं बोलता हूं अगर असीम वकार साहब मतलब विश्वास बहाली के लिए आप लोगों के भीतर क्या करे सरकार, क्योंकि हिंदू मुसलमान से आप लोगों की रेलगाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। सर मैडम ये मैं इतनी देर से बहस सुन रहा था, सलमान निजामी साहब को भी सुना मैंने, संबित पात्रा जी को भी सुना मैंने, लोकसभा में अमित शाह साहब को भी सुना। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है, 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ सर कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बनके बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बनके बैठे हैं? कमाल की बात है साहब, मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित नहीं ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था, मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। मैंने जानबूझ के बोला था, मैं देखना चाह रहा था कि मैं चेक कर रहा था तो चेक हो गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह वाह वाह। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू, तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है, आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है।